नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं पंडित रामदेव भी आप सबके समकक्ष ईद दफे सुख समृद्धि का प्रतीक लाफिंग बुद्धा, आप सब ये तस्वीर देख के ही समझ गए होंगे कि हमारे सुख समृद्धि में इनका बहुत बड़ा योगदान है। शायद किसी को इस विषय में जानकारी ना हो, अगर जिनको हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आइए हम बताते हैं आप सबको इस विषय में। और आशा करता हूं कि आप सबको जानकारी प्राप्त करके अच्छा लगेगा। तो आइए जानते हैं लाफिंग बुद्धा के हंसते हुए चेहरे को सुखहाली खुशहाली का खुला द्वार समझा जाता है। संपत्ति के इस देवता की पूजा आराधना नहीं की जाती, सिर्फ घर में इनकी स्थापना से ही परिवार में धन दौलत का आगमन सुनिश्चित हो जाता है। साथ ही यह हमारी सेहत का भी रखवाला होता है। अगर परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है या घर में बीमारी घर से बीमारी जाने का नाम नहीं ले रहा है और बीमारी का ठीक ठाक कारण का भी पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए हाथ में बुलू लिए हुए लाफिंग बुद्धा का को घर में स्थापित कर दीजिए। आशाजनक नतीजे मिलेंगे। ब्लू फेंगशुई का एक ऐसा गैजेट है जिसका संबंध दीर्घायु और आरोग्य से है, लेकिन अगर इसे लाफिंग बुद्धा ने हाथ में थामा हुआ है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर ये तो सुख समृद्धि के विषय में है, अगर संतान सुख के लिए है तो आइए जानते हैं। बच्चे परिवार का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। बच्चे न हो तो सब कुछ होकर भी अधूरा लगता है। संतान सुख की कामना को पूरा करने में और बच्चों को सही परवरिश में भी लाफिंग बुद्धा चमत्कारी प्रभाव देता है। शायद आपने देखा होगा ऐसे लाफिंग बुद्धा को जो शिशुओं से घिरा हुआ हो। अगर आप संतान सुख से वंचित हैं या अपनी औलाद की परवरिश को लेकर चिंतित रहते हैं तो शिशुओं से घिरे हुए, बच्चों से घिरे हुए लाफिंग बुद्धा को घर ले आएं। यह आपकी कामना पूर्ति में मददगार होंगे। मित्रों, आप जानते हैं लाफिंग बुद्धा को कहाँ रखें? तो आइए बता दें, घर हो या ऑफिस, आप जहाँ चाहे वहाँ लाफिंग बुद्धा को रख सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि इन्हें कभी भी ज़मीन पर न रखें, चाहे आकार कितना भी बड़ा हो। इन्हें लकड़ी के प्लेटफार्म या छोटे स्टूल अथवा तिपाही पर रख सकते हैं। इन्हें ड्राइंग रूम में किसी भी दिशा में रखा जा सकता है। इन्हें इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि हंसता हुआ चेहरा हर आने जाने वाले को दिखाई पड़े। ध्यान रहे कि इन्हें बेडरूम, बाथरूम व डाइनिंग टेबल पर न रखें। तो मित्रों, मैं आप सबको लाफिंग बुद्धा से जुड़े हुए विषय के बारे में बताया और आशा करता हूँ कि आप सबको ये जानकारी प्राप्त करके अच्छा लगेगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।